ये भागना और आत्महत्या ये सॉल्यूशन नहीं है। आंख में आंख मिलाओ भाई चांसलर को और डायरेक्टर को, बोलो कि हाउ डेयर यू, क्योंकि कुछ बन के भी घुटना टेक रहोगे तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। उसके माँ बाप उसको सिखलाते हैं किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किससे बात करना है, कौन तुम्हारा दोस्त होगा। सामने कोई भी तानाशाह उसे सवाल करना अगर नहीं सीखा, नहीं जानते हो, तो न कोई अम्बेडकर बाद हो न कोई मार्क्स बाद। अगर आप आइए हिंदू कॉलेज में, मैं पढ़ाता हूं हिंदू कॉलेज, और मैं ऑन रिकॉर्ड चुनौती दे रहा हूं कि हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल का बायोडाटा मुझे दिखा दो। मैं कुछ लिखता हूं अगर तो इट इज फॉर द पब्लिक कंजम्पशन, तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं लिखा जाता है। कोई लेख लिखते हैं, किताब लिखते हैं, मेरी किताबें अमेजन पे हैं, जाकर देख लीजिए, खुला हुआ है, दुनिया भर के लाइब्रेरी में पड़ी हुई। उस हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल का अगर बायोडाटा दिखा दे, जब आप प्रिंसिपल बनी थी तो क्या बायोडाटा में लिखा था, कौन से आर्टिकल आपने छापे थे, कौन से किताब छापे थे, तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा अभी। और वाइस चांसलर से लेके और कोर्ट से लेके तमाम जुडिशरी उस पर मौन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ओपन लेटर लिखने वाला हूं, और मैं सवाल उठाऊं तो मैं जातिवादी हो गया। तुम गोवा का गलत स्पेलिंग लिख के प्रिंसिपल बने हो, प्रोफेसर बने हो, आधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर बने हैं अभी, अगर सबका बायोडाटा चेक कर दिया जाए आधे लोग जेल में जाएंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ना, आधे लोग जेल में जाएंगे। 10 किताबें मैं पब्लिश करके सबसे पहला एप्लीकेंट प्रोफेसर का 2020, आज तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं सब्सटांशिएट करने के लिए कि कैसे विश्वविद्यालय जातिवाद के मनुवाद के खूंखार अड्डे ये साबित करने। सेबैटिकल लीव 5 साल से मांग रहा हूं, किताब लिखना, राष्ट्रवादी इतिहासकार में मेरी PhD काशी प्रसाद जसवाल, और ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कोई ना डीन बनना है, ना हेड बनना है, ना प्रोफेसर बनना है, क्योंकि कुछ बन के भी घुटना टेक रहोगे तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। एक एकेडमिशियन का काम होता है सवाल खड़े करना, अपने समय के जलते हुए प्रश्नों पर अपना ओपिनियन देना, और इसकी कीमत चुकानी होती। अभी मैंने एक NOC के लिए, सब इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाएंगे जब हमारे जैसे लोगों के साथ सिस्टम कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करता है, वाइस चांसलर कैसे, VC से मिला हूं मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, ही नोज एवरीथिंग। मैंने अपने 5-7 किताबें भी दे दी, थोड़ा देख लीजिए। अभी मैं एक NOC जाना है मई में एक लेक्चर देने लंदन, और NOC के लिए मैंने अप्लाई किया, 1 महीना पहले NOC नहीं मिला, और NOC जब मिलता है उसके लैंग्वेज मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। वो उसी तरीके से है कि किताब तुम्हारा पन्ना हमारा, NOC दे भी दिया आपको, वीजा ना मिले। मेरी गिरफ्तारी कब हुई है, क्यों हुई है, ये NOC में लिखा जाता है। आई वॉज अरेस्टेड, बेल पे हूं, एक काम करता हूं ना, फिर अरेस्ट करो ना, आओ ना, तो खुली चुनौती दे रहा हूं। ये जातिवाद, ये आपको एग्जाम्पल मैंने दिया है, चावल ये कैसे निकालोगे ना, तो दशरथ सोलंकी और रोहित बुमला जो बात करो, मैं तो यहीं पे इसी मन से कई बार बोला कि भागना और आत्महत्या ये सॉल्यूशन नहीं है। आंख में आंख मिलाओ भाई चांसलर को और डायरेक्टर को, बोलो कि हाउ डेयर यू, मिलाओ, तब ना जाति के सवाल हल होंगे। कैसे हल होंगे? मनुस्मृति क्या कहता है? एक शूद्र का क्या होना चाहिए? टूटे हुए बर्तन में खाना होना चाहिए, गंदे कपड़े पहनने चाहिए, उसके प्रॉपर्टी क्या होने चाहिए? जो डेड के जो कपड़े होते हैं अब ब्लैक मेटल लोहे, तो कोई इसमें से मनुस्मृति नहीं पढ़ा होगा, लेकिन घर में जो ट्रेनिंग मिलती है ना इन लोगों को,
वो प्रथाएं कई बार इतनी मजबूत होती हैं कि वो संविधान से भी ऊपर होता है। ये जितना इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, मॉडर्न स्कूल में, डीपीएस में, स्प्रिंगडल्स में, सब अंग्रेजी पढ़ता है ना, बड़ा हाई फाई घर का है, उसको जाति क्या है और जाति भेदभाव क्या है कौन सिखलाता है? कौन सिखलाता है? हिंदू कॉलेज, स्टीफंस कॉलेज, LSR, तमाम नाम ले रहा हूँ, IIT, एम्स में सबसे ज़्यादा जाके देखो, मेडिकल कॉलेजेज या यूनिवर्सिटी में, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे जाते हो, कौन सिखलाता है उसको? उसको माँ बाप सिखलाता है घर में। अगर ऐसी घर प्राथमिक पाठशाला है तो मैं समझता हूँ इट इज़ ए बैड पाठशाला। उसके माँ बाप उसको सिखलाते हैं किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किससे बात करना है, कौन तुम्हारा दोस्त होगा। तो इसीलिए मैं जितने बैठे हुए सब लोग, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ बच्चों को सिखलाओ घर में। हमारे दलित बैकवर्ड सब भी अपने घर में बात नहीं करता है। मेरे घर में आके देखो, आठवीं पढ़ती है बेटी, उसको सब पेरियार फूले सब पता है। उसको सिखलाओ कि समाज रियल वर्ल्ड ये है, जिस दुनिया में तुम जाओगे वो ऐसी व्यवस्था है कि तुम मानो या ना मानो, मेरे कपड़े ब्रांडेड नहीं है, है ना, मानो या ना मानो समाज तुमको मानेगा ही कि तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो। तो उससे लड़ने का तैयारी घर में कराओ। और एक बात तो जरूर, तीन वर्ड मैं कहता हूं, मैंने कॉस्ट चुकाई है, मेरे कितने दर्जनों मुकदमे में मेरे चलते रहते हैं। एक ही जीवन है ना, दो ही रास्ते हैं, या तो स्वाभिमान के साथ जी लो। अंबेडकर को लोग पढ़ते हैं, कई लोग कहते हैं कि 22 प्रति की अंबेडकर बात है, हमने फिर से पढ़ो अंबेडकर बात, 22 प्रतिज्ञा नहीं उसके आगे भी है, वो तो जाके 56 में ले रहे हैं ना, पूरी राइटिंग्स पढ़ी है ना, दो ही वर्ड मैंने सीखा है उसमें से, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मसम्मान, स्वाभिमान, यही मैंने सीखा अंबेडकर वास। तुम 22 प्रतिज्ञा ले ही लो, घुटना टेक बन जाओ, तुम्हारे लेने का कोई फायदा नहीं। सामने कोई भी तानाशाह हो, उसे सवाल करना अगर नहीं सीखा, नहीं जानते हो, तो न कोई अंबेडकर वाद हो, ना कोई मार्क्स वाद, घुटना टेक वाद। तो अगर मेरे सवाल उठाने से किसी को लगता है कि मैं जातिवाद बढ़ा रहा हूं, तो मुझे इस बात का फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं बढ़ा रहा हूं। शुक्रिया।